स्वागत है आप सबका, मैं मनोहर कुमार। और थंबनेल पे बिल्कुल आपने सही पढ़ा, आज हम जानेंगे वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन के बारे में और पूरी तरह उनकी स्टोरी को कवर करेंगे। बचपन में वे क्या करते थे, क्या रहते थी, और जानेंगे उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी। एक्चुअली पूरे रिसर्च के बाद हमने ये कंटेंट लाया है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और शुरू करते हैं उनके जन्म से। तो न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 ईस्वी को क्रिसमस के दिन इंग्लैंड के उल्सथोरपे गांव में लिंकन शायर शहर के नज़दीक हुआ था। इनके पिता आइजक न्यूटन पेशे से किसान थे। इनके पिता की मृत्यु इनके जन्म के 3 माह पूर्व ही हो चुकी थी। जब ये 3 वर्ष के हुए तब इनकी माता ने दूसरी शादी कर ली और इनके सौतेले पिता स्मिथ इनको साथ रखने से मना कर दिए। तब इनकी माँ ने इनको नानी के यहाँ छोड़ दिया और इनका पालन पोषण नानी ने बचपन में किया। और 1653 ईस्वी में जब इनके सौतेले पिता की भी मृत्यु हो गई तब इनकी माँ वापस इनके गांव बुलस्थुर पे आई और तब ये 10 वर्ष के थे। और उसके बाद से 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा आरंभ की। देखिए बुलस्थुर पे से 8 माइल की दूरी पे एक शहर पड़ता है, छोटा शहर ग्रैंथम। तो ग्रैंथम के किंग्स स्कूल में इनका दाखिला कराया गया जब ये 12 वर्ष के थे। और ये वहीं ग्रैंथम में ही रहा करते थे। एक वैद्य जी थे, वैद्य जी मतलब वो औषधि बनाते भी थे और खुद बेचते भी थे। तो ये उनसे इंस्पायर थे क्योंकि औषधि में रसायन विज्ञान का काफ़ी इस्तेमाल होता था, तो वो देखते थे और सीखते थे। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो क्लार्क जो कि वैद्य जी थे, तो क्लार्क का योगदान काफ़ी रहा। और वहाँ पे क्लार्क की जो थी एक सौतेली बेटी थी, नाम था कैथरीन। और न्यूटन वहीं पर रहा करते थे ग्रैंथम में, उन्हीं के घर पे। यानी कैथरीन जो उनकी बेटी थी उनको मनोरंजन करने के लिए या कहिए कि कन्वेंस करने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और धीरे धीरे कैथरीन से इनको प्रेम हो गया था। और फिर इन्होंने वहीं पर बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि पवन चक्की, जो उस टाइम पर पवन चक्की जो हवा से चलता था। तब चूंकि ये बचपन में शरारती भी थे, हालांकि ये शांत स्वभाव के थे लेकिन शरारत किया करते थे। तो इन्होंने पवन चक्की को एक चूहे से चलाया, चूहे के पूंछ में बांध दिया और इस ढंग से अरेंज किया कि जब चूहा चलता था और जब चूहा उस पर पैर रखता था तो वो चक्की चलती थी। इसके अलावा एक और, ये रात में पतंग उड़ाया करते थे और उसके पूंछ में, पतंग के पूंछ में एक लालटेन जला के, कागज़ का लालटेन जला के टांग दिया करते थे और उसको हवा में उड़ाते थे। और आसपास के किसान देखते थे तो सोचते थे कोई पूछल तारा टूटा हुआ है, और काफ़ी डर के मारे वो अंदर घर में चले जाते थे। तो इस तरह का यह शरारत किया करते थे। और वहीं पे इनकी जो बताएं अभी कैथरीन थी वो गर्लफ्रेंड थी, उनसे प्रेम करते थे। हालांकि बाद में इन्होंने शादी नहीं करी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल हम ग्रैंथम स्कूल की बात कर रहे थे। तो ग्रैंथम स्कूल में ये एक एवरेज बच्चे से भी लो थे, मतलब ये पढ़ाई लिखाई में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इनको पेंटिंग्स में और यंत्रों को खोलने में बड़ा मज़ा आता था। और ये उसी तरह का काम किया करते थे, छोटे छोटे यंत्र बनाया करते थे, हालांकि पढ़ाई में ये अच्छे नहीं थे। और ग्रैंथम स्कूल में पढ़ाई के दौरान इनको एक बच्चा परेशान किया करता था, हालांकि ये शर्मीले स्वभाव के थे और वो बच्चा हमेशा इनको परेशान करता था। अचानक एक दिन उसने इनको पेट पर लात मार दी और इनको काफ़ी गुस्सा आया। उसके बाद उन्होंने उसकी इतनी पिटाई करी और फिर उसके बाद इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हम कमज़ोर नहीं हैं, अदरवाइज ये अपने हीन भावना से ग्रसित थे और अपने आप को कमज़ोर मानते थे। तो उसके बाद थोड़ा सा वो इंस्पायर हुए। और फिर इनकी माँ ने, जब ये 17 वर्ष के हुए तब इनकी माँ ने इनको खेती करने के लिए वापस बुलस्थुर पे अपने गांव बुलाया और उनको खेती करने के लिए कहा गया। लेकिन इनको खेती में मन लगता नहीं था। इनकी माँ चाहती थी कि पिताजी की तरह यह भी किसान बने, लेकिन इनको खेती में मन लगता नहीं था। तब वो खेत में भी अपने यंत्र बनाने में व्यस्त रहते थे। एक बार तूफान आया, काफ़ी तेज़ तूफान था और खेत में फसल बर्बाद हो रही थी, तो वो उस टाइम पे खेत छोड़ के वो हवा की गति माप रहे थे और उसके बाद वो कूद कूद के देख रहे थे कि कूदने के बाद जो है हवा की दिशा में हम कितना दूर तक जा रहे हैं और कूदने के बाद हवा की विपरीत दिशा में हम कितने दूर तक जा रहे हैं। तब इनकी माँ ने ये नोटिस किया कि ये जो है ये कृषि में रुचि ले नहीं रहा है। तब इनको वापस ग्रैंथम स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया और फिर उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई करी। और अब की बार उस बच्चे को नीचा दिखाने के लिए या ये दिखाने के लिए कि मैं भी कर सकता हूँ, इन्होंने मन लगा के पढ़ाई किया। और उसके बाद उन्होंने 1661 ईस्वी में ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन लिया। ट्रिनिटी कॉलेज जो कि
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का हिस्सा था, वहाँ पे वे एडमिशन लिए और वहाँ पे भी नेचुरल फिलॉसफी मतलब प्राकृतिक दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे। ये वहाँ पे गणित नहीं पढ़ाया जाता था और ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि न्यूटन का सब्जेक्ट कभी गणित और फिजिक्स रहा ही नहीं, इनका सब्जेक्ट जो था वो आर्ट्स था और इन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री 1665 ईस्वी में आर्ट्स से पूरा किया है, यानी ये बीए के स्टूडेंट रहे हैं। और जब ये 1661 ईस्वी में वहाँ ट्रिनिटी कॉलेज में थे, चूँकि ये किसान परिवार से थे और ये आर्थिक रूप से कमज़ोर थे तो थोड़ा ये साइड में वर्क किया करते थे, वो वहाँ पे बैरो प्रोफेसर वैरोज वहाँ थे और उन्हीं के यहाँ कुछ काम किया करते थे। चूँकि प्रोफेसर वैरोज गणित के प्रोफेसर थे और उनको देखकर उनके साथ रह रह कर इनको गणित में रुचि उत्पन्न हुआ और उन्होंने कॉलेज के दौरान ही बाइनोमियल थ्योरम द्विपद परिमेय को ईजाद किया, जो ये काफ़ी कम उम्र के थे और उस टाइम पे इन्होंने बाइनोमियल थ्योरम दिया। और वहीं पे एक बार ये मेले घूमने गए थे, मेला में इन्होंने एक ज्योतिष विज्ञान से संबंधित किताब खरीदी, उसमें ये था कि ग्रह नक्षत्र जो है किस तरह से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो बीज गणित का बहुत सारा इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ था और बहुत कुछ इस तरह से था। तो इनको आकृतियों के अध्ययन करने में, जैसे स्टार या कोई वृत्त हो गया, स्फीयर हो गया, ये सब का अध्ययन करने के लिए इंस्पायर मिला। हालांकि ये वो बुक समझ में नहीं आने के कारण पढ़ना छोड़ दिए थे, लेकिन इनके प्रोफेसर ने इनको प्रेरित किया कि नहीं उसको पढ़ो और उनको सहयोग किया, तब जाके इनको गणित में रुचियाँ उत्पन्न हुई। और फिर उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज के बाद 1665 ईस्वी में अगस्त में इनकी डिग्री पूरी हुई, तब तक वहाँ प्लेग रोग फैल गया और प्लेग रोग के कारण यूनिवर्सिटी यानी इनका कॉलेज ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डेढ़ साल के लिए बंद रहा और डेढ़ साल के बंद रहने के कारण ये वापस अपने गाँव उल्सथोर पे आ गए। और वहाँ पे वो जब वापस आए तब तक कैथरीन की शादी हो चुकी थी तो और ये काफ़ी दुखित भी हुए थे, तब उन्होंने आगे शादी न करने का प्रण किया। और फिर इन्होंने आइजक न्यूटन ने अपने कवि इन्होंने शादी नहीं की। और ये जब उल्सथोर पे हैं, चूँकि कॉलेज बंद था, इनको पर्याप्त समय मिल गया और ये हमेशा प्राकृतिक चीज़ों में खोया रहते थे, आकाश को देखा करते थे, तारों को ऑब्जर्व किया करते थे। हालांकि जब यूनिवर्सिटी में थे तो वहीं पे ये द्विपद परिमेय ये सब काफ़ी ईजाद कर चुके थे, काफ़ी सूत्र विकसित कर चुके थे, गणित में इनको रुझान हो चुका था। तो जब ये वापस गाँव पर आए तब इन्होंने सूर्य तारे इत्यादि को ऑब्जर्व करते हुए प्रकाशिकी पे काम किया और इसके बाद इन्होंने एक नई विधि, गणित की एक नई विधि विकसित की जिसको कैलकुलस कहते हैं। ये उसी टाइम में किया, ये उस समय 24 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने गुरुत्वाकर्षण पे काम किया, गति के नियम दिए और प्रकाशिकी पर भी काम किया और इस तरह से वो 24 वर्ष की उम्र में ही काफ़ी कुछ शोध किया। उस टाइम पे जब ये बाग में बैठे हुए थे, ये बाग वाली जो हम लोग घटना पढ़ते हैं कि जब आइजक न्यूटन बाग में बैठे थे, सेब गिरा और फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज किया, ये उसी समय की घटना है जब ये छुट्टी पे आए हुए थे, कॉलेज जब बंद था, वो उस टाइम पे बाग में जब बैठे हुए थे, सेब गिरा, तब उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। फिर उन्होंने चाँद को देखा तो देख तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिस तरह से सेब गुरुत्वाकर्षण कुछ मतलब ऐसा आकर्षण बल है जिसके कारण वो नीचे गिर रहा है, इसीलिए वो चंद्रमा भी बंधा हुआ है पृथ्वी के आकर्षण से, कोई ऐसा बल है। फिर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण ये सब का सिद्धांत दिया। वो गांव पर ही जब ये उल्सथोरपे में थे तो वहाँ पे वे एक अंधेरे कमरे में गए और वहाँ सूर्य का लाइट आ रहा था, तो सूर्य के लाइट को उन्होंने एक प्रिज्म की सहायता से जब होके गुजारा, प्रिज्म की सहायता से सूर्य के लाइट को जब गुजारा तो देखा कि वो 7 भागों में टूट रहा है। फिर उसके बाद इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो रहा है। फिर इन्होंने एक और प्रिज्म लिया और दोबारा उससे होके गुजारा, फिर वो पूरा सफ़ेद कलर बन जा रहा था। तब इन्होंने ये देखा कि सूर्य की किरणें जो हैं वो 7 रंगों से बनी हुई है और इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये तब इसको इन्होंने क्लियर किया। और इस तरह से ये पूरे जब कॉलेज बंद था इन्होंने सारा शोध काम पूरा किया और 1668 ईस्वी में इन्होंने वहाँ से फिर वापस, जब कॉलेज खुला तो 1668 ईस्वी में उन्होंने वहाँ मास्टर डिग्री पूरी की। और मास्टर डिग्री के दौरान ही एक्चुअली ये इतने कैलकुलस और द्विपद परिमेय ये सब पे काम कर लिए थे कि इनके प्रोफेसर जो थे वैरोज
वो काफ़ी इनसे कन्विंस थे। और 1669 ईस्वी में जब प्रोफेसर वैरो सेवानिवृत्त हुए तब ये 27 साल की उम्र में वहाँ पे प्रोफेसर नियुक्त किए गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, इन्हें प्रोफेसर नियुक्त किया गया। उसके बाद इन्होंने प्रकाश पे काम करते समय एक दूरदर्शी बनाया, टेलीस्कोप बनाया था, जिसकी मदद से पहले जो टेलीस्कोप बना हुआ था वो लेंस से था और उससे उतना क्लियर प्रतिबिंब बनता नहीं था, धुंधला प्रतिबिंब बनता था। लेकिन इन्होंने जो टेलीस्कोप बनाया वो काफ़ी छोटा था, उसकी लंबाई मात्र 6 इंच थी, चौड़ाई 1 इंच थी और वो 40 गुना ज़्यादा बड़ा करके किसी इमेज को दिखा सकता था। और वो इन्होंने रॉयल सोसाइटी को भेजा, रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड में पड़ता है और वो एक वैज्ञानिकों का समूह है, तो वहाँ पर रॉयल सोसाइटी को इन्होंने भेजा और वो लोग इतने प्रभावित हुए इनके काम से, इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने उनको अपनी सदस्यता दे दी, इनको वहाँ फेलो नियुक्त किया, सदस्यता मिल गई इनको 1672 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी में। उसके बाद इन्होंने 1684 में जो अपना कैलकुलस और वो सब था धीरे धीरे प्रकाशित कराया। हालांकि इस बात पर विवाद रहता है कि कैलकुलस का आविष्कार किसने किया, क्योंकि जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन गणितज्ञ लीबनिज ने इसको पहले प्रकाशित करवाया था। हालांकि सर आइज़क न्यूटन सूचनाओं को छुपाते थे, वो प्रकाशित नहीं कराते थे, उनको लगता था कि इस पे आलोचना होगी, ये आलोचनाओं से डरते थे, तो इसलिए इन्होंने काम तो किया था लेकिन प्रकाशित इन्होंने पहले नहीं करवाया था, लीबनिज पहले प्रकाशित करवाए थे, जो कि ये विवाद का विषय रहा कि कैलकुलस के आविष्कार कौन किए। ये जीवन पर्यंत लीबनिज जब तक जिंदा रहे तब तक ये विवाद रहा। हालांकि कैलकुलस को माना जाता है कि आइज़क न्यूटन ने ही ईजाद किया था। फिर इन्होंने 1687 ईस्वी में एक बुक लिखी प्रिंसिपिया, जिसमें इन्होंने गुरुत्वाकर्षण, गति के नियम और बल से संबंधित नियम दिए। वो प्रिंसिपिया इतना पॉपुलर हुआ कि इनका नाम पूरे वैज्ञानिक जगत में फेमस हुआ। और इसके बाद वो 1689 ईस्वी में वो यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पार्लियामेंट में भी सदस्य के रूप में गए। फिर 1696 ईस्वी में इनको वहाँ के टकसाल में, जो शाही टकसाल था इंग्लैंड का, उनको प्रभारी नियुक्त किया गया और वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे सुधार किए। वहाँ पे पहले हाथ से सिक्के बनाए जाते थे, हस्तनिर्मित सिक्के होते थे, इसको उनको ये काम दिया गया कि इनको मशीन से बनाया जाए। इसके अलावा बहुत सारे सिक्के जो थे वो जालसाज सिक्कों को किनारा काट लेते थे, धातु निकाल लेते थे और उससे फिर नए सिक्के डाल देते थे। तब इन्होंने ये सुझाव दिया और कि चारों तरफ सिक्के के चारों तरफ इन्होंने अस्थाई चिन्ह लगवाना शुरू किया। इसके बाद जो नोट जारी किए गए उस पर इन्होंने वाटरमार्क लगाया और उसको कॉपी करना मुश्किल था। इस तरह से इन्होंने टकसाल में, शाही टकसाल में काफ़ी सुधार किया। और इसके बाद साथ साथ इनका गणित का और विज्ञान का भी शोध कार्य चलता रहा। और जब रॉयल सोसाइटी के ये 1703 ईस्वी में अध्यक्ष नियुक्त किए गए, 1703 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी के जब ये अध्यक्ष रहे हैं, उस टाइम पे एक स्वीज गणितज्ञ ने पूरे यूरोप को चैलेंज किया, पूरे यूरोप को चैलेंज किया कि एक प्रश्न को हल करना है और 6 महीने का समय दिया, जिसको सर आइज़क न्यूटन ने 1 दिन के अंदर, 1 रात में सॉल्व करके दे दिया था। ये बताता है कि ये काफ़ी जीनियस थे। और 1704 ईस्वी में इन्होंने एक दूसरी पुस्तक लिखी ऑप्टिक्स, जिसमें प्रकाश के सारे नियम थे। हालांकि इन सारे नियमों की खोज इन्होंने 30 वर्ष पूर्व ही कर दी थी, लेकिन ये आलोचना से डरते थे, इनको डर था कि कोई फिर कुछ विवाद खड़ा करे, इसलिए इसको इन्होंने प्रकाशित नहीं कराया था। 1704 ईस्वी में इन्होंने ऑप्टिक्स लिखा, जो कि प्रकाश के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है इनका। और 1705 ईस्वी में इनको कैम्ब्रिज में एक समारोह था जिसमें महारानी एनी ने इनको नाइट की उपाधि दी, तब से ये सर आइज़क न्यूटन के नाम से जाने जाते रहे हैं। और इनके स्वभाव के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, थोड़ा बहुत इनके कहानी के बारे में बात करेंगे। ये बहुत प्रकृति प्रेमी थे और इनके एक, जब ये 51 साल के थे तो इनका एक कुत्ता था डायमंड। तो ये एक अब तक के जितने शोध कार्य थे 51 साल की उम्र तक, उन्हें उसको लिख कर ये पुस्तक बना रहे थे, वो एक पुस्तक लिख रहे थे। तब तक क्या हुआ कि इनको गिरजाघर जाना था प्रार्थना के लिए, सुबह की प्रार्थना के लिए जब ये गिरजाघर गए और जितने ये दस्तावेज थे वो टेबल पर पड़े हुए थे, तब तक एक चूहा आके कतरने लगा और इनका डॉगी जो था डायमंड तब तक देखा, और बगल में वहाँ पे मोमबत्ती जल रहा था, तो
तो उन्होंने उस डॉगी ने, इनके कुत्ते ने, डायमंड ने चूहे को हटाने के लिए, कुतरने से बचाने के लिए डॉक्यूमेंट को उस पर हमला किया, तब तक मोमबत्ती उस पर गिर गई और इस तरह से पूरा इनका लिखा हुआ जितना डॉक्यूमेंट था वो सब पूरे जल के राख हो गई। जब ये वापस आए तो बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए वे, जो बस डॉगी को इतना ही बोले कि तुम नहीं जानते हो कि तुमने क्या शैतानी करी है। और कहा जाता है कि इसके बाद से वो काफ़ी दिनों तक डिप्रेशन में थे, अवसाद का शिकार हो गए थे, लेकिन उन्होंने कुत्ते को कुछ कहा नहीं और न ही उसे दंडित किया। इससे इनका एक प्रकृति प्रेमी होने का स्वभाव पता चलता है। और एक और हम घटना की बात करेंगे, ये काफ़ी स्वभाव से भुलक्कड़ थे। एक बार इन्होंने अपने मित्रों को इन्वाइट किया घर पर भोजन के लिए, और अभी भोजन चालू ही होने वाला था तब तक इनको कुछ याद आया और ये बाहर गए। और जैसे ही इनको कुछ याद आया तब तक ये फिर अपने अध्ययन वाले रूम में गए और वहाँ पे कुछ फार्मूला और इसे पे काम करने लगे, गणित की इक्वेशन पे, और भूल गए कि इन्होंने किसी को डिनर पे बुलाया है। उसके बाद जब काफ़ी देर हो गया तब इनके मित्र वहाँ गए और देखें, तब वो बोले कि हम जानते थे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं, हम आपके लगन को जानते हैं। तो ये बताता है ये काफ़ी भुलक्कड़ स्वभाव के भी थे। और इस तरह से बहुत सी कहानियाँ हैं इन पर। तो मेन इनका जो योगदान था वो पूरा फिजिक्स में रहा था। और सर आइज़क न्यूटन 1703 से जीवन पर्यंत तक रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे थे। और 20 मार्च 1727 ईस्वी को इनका देहांत हुआ और इनको वेस्टमिंस्टर एब्बे में इनको दफनाया गया, जहाँ पे इंग्लैंड के बहुत सारे राजा महाराजाओं को दफनाया गया, तो वहीं स्मारक बनाया गया। और इस तरह से एक महान वैज्ञानिक का एक अध्याय ख़त्म हुआ। मतलब पूरे स्टोरी से यह सीखने की जरूरत है कि ये आर्ट्स के स्टूडेंट थे और इन्होंने साइंस की फील्ड में काफ़ी अच्छा कुछ किया। और आप बताइएगा कि न्यूटन के जीवन की कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगी और किस वैज्ञानिक का आप चाहते हैं कि हम बायोग्राफी कवर करें, ऐसी स्टोरी कवर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।